सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली है, ये इतना प्रबल है कि इसके आसपास बहुत सारे उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऑब्जर्व करने से ये पता चलता है कि इन मून्स की सतह नमकीन सागरों से बनी है, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि इन पर जीवन हो सकता है। आखिर क्या है जुपिटर के इन मून्स का रहस्य और कैसे हमें भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अभी 2030 तक बृहस्पति के 95 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, लेकिन इन 95 उपग्रहों में सबसे बड़े जो 4 उपग्रह हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति के इन उपग्रहों को 1610 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने पहली बार अपनी दूरबीन से ऑब्जर्व किया था। जुपिटर के 3 बड़े उपग्रहों के बीच ऑर्बिटल या लाप्लास रेजोनेंस है, यानी जब आयो 1 चक्कर पूरा करेगा तब यूरोपा 2 चक्कर पूरे करेगा और गैनीमेड 4 चक्कर पूरे करेगा। जुपिटर और उसके उपग्रह का गहराई से अध्ययन करने के लिए गैलीलियो नाम के एक अंतरिक्ष यान को नासा के द्वारा 1989 में लॉन्च किया गया। ये गैलीलियो अंतरिक्ष यान 7 साल के बाद 1995 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने जुपिटर के मून्स की ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें भेजी, जिसने सभी खगोलविदों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जुपिटर के मून्स इतने रहस्यमय क्यों हैं। बृहस्पति का चांद गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है। गैनीमेड का नाम ज्यूस या रोमन में जुपिटर के गोद लिए बेटे के नाम पे रखा गया है। गैनीमेड का व्यास 5270 किलोमीटर है, जो कि बुध और टाइटन से भी बड़ा है। गैनीमेड की संरचना की बात करें तो कोर गर्म लोहे से बना है और ऊपरी सतह बर्फ से बनी है। इस बर्फ से बनी 150 किलोमीटर मोटी परत के नीचे नमकीन पानी के महासागर है। ऐसा माना जाता है कि गैनीमेड के महासागर पूरे सौरमंडल में सबसे बड़े हैं, और इन महासागरों की गहराई में दबाव ज्यादा होने से कोर और सागर के बीच का पानी बर्फ बन चुका है। गैनीमेड का कोर गर्म लोहे से बना होने की वजह से उसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जिस पर बृहस्पति के रेडिएशन की बौछार होने से अरोरा का निर्माण होता है। गैनीमेड के इस अरोरा की 1996 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान और हबल टेलीस्कोप के द्वारा जांच करने पर महासागर होने के सबूत मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ नमकीन सागर में ही मैग्नेटिक फ्रिक्शन होने की वजह से ये अरोरा ज्यादा लड़खड़ाते नहीं है। गैनीमेड के वायुमंडल का ऑक्सीजन पृथ्वी के 100 करोड़वें हिस्से जीतता है, जिसे गैनीमेड पे सांस लेना लगभग नामुमकिन जैसा है। कैलिस्टो टाइटन के बाद सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 4821 किलोमीटर है। कैलिस्टो आकार में लगभग बुध जितना होने के बावजूद इसका घनत्व बुध से काफी कम है। बाकी 3 गैलीलियन मून्स के मुकाबले कैलिस्टो की दूरी बृहस्पति से ज्यादा है। ये कैलिस्टो बृहस्पति से 18 लाख किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि कैलिस्टो को बृहस्पति के आसपास एक चक्कर लगाने में 17 दिन का समय लगता है। कैलिस्टो के जुपिटर के साथ टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इसकी एक ही साइड हमेशा जुपिटर के सामने होती है। की आंतरिक संरचना बर्फ और रॉक से बनी है और सतह पे पतली बर्फ की परत है। इतने करोड़ सालों के बाद भी कैलिस्टो पर कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस ना होने की वजह से कैलिस्टो की सतह काफी ठोस है और पहाड़ों का कोई नामो निशान नहीं है। कैलिस्टो का एक्सोस्फीयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। कैलिस्टो की सतह पे उल्का पिंडों के गिरने से काफी बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। कैलिस्टो के इन खड्डों के कभी ना भरने और एक के ऊपर एक बनने से कभी पीक तो कभी पीठ वाले खड्डे भी देखने को मिलते हैं। ये खड्डे बिल्कुल चांद की तरह है, जिन्हें इंपैक्ट क्रेटर्स कहा जाता है। जो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है, जिसका नाम वल्हला है, वो व्यास में 3800 किलोमीटर चौड़ा है। ये वल्हला सौरमंडल का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है। और दूसरा बड़ा जो इंपैक्ट क्रेटर, जिसका नाम एस्गार्ड है, वो 1600 किलोमीटर चौड़ा है। ये छोटे बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स कैलिस्टो की सतह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। कैलिस्टो के बृहस्पति के रेडिएशन बेल्ट से बाहर होने की वजह से यहाँ भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बेस बनाया जा सकता है। आयो बृहस्पति से ज्यादा नजदीक सल्फर और ज्वालामुखी से भरा हुआ एक उपग्रह है। ये उपग्रह आयो बृहस्पति से 3,50,000 किलोमीटर ऊपर है और टाइडली लॉक्ड है, यानी अगर हम आयो के सतह पे खड़े रहे तो बृहस्पति हमें चांद से 39 गुना बड़ा दिखेगा। व्यास में 3,643 किलोमीटर होने के बावजूद आयो की डेंसिटी पूरे सौरमंडल में मून्स में सबसे ज्यादा है। आयो की आंतरिक संरचना की बात करें तो कोर आयरन सल्फाइड से बना हुआ है और सतह पे पानी का कोई नामो निशान नहीं है और वायुमंडल
मेंटल भी काफी पतला है। मेंटल के काफी बड़े होने से आयो का कोई अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन जो चीज आयो को बहुत ही खास बनाती है वो है इसकी सतह पे बड़े बड़े ज्वालामुखी, यानी आयो की सतह पे लावा बहता रहता है। आयो की सतह पे जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम लोकी है, उसका व्यास 200 किलोमीटर है। लोकी अकेला ही आयो की 25% गर्मी का स्रोत है। दूसरे बड़े वोल्केनो का नाम तवाशतार है। जब मैंने प्लूटो के बारे में इस वीडियो में बात की तब मैंने ये कहा था कि प्लूटो का अध्ययन करने वाले न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान को जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट के सहारे आगे बढ़ाया जा रहा था। उसी समय न्यू होराइजन ने अपने इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए आयो की एक तस्वीर ली थी जिसमें तवाशतार ज्वालामुखी का विस्फोट दिखता है जो कि इतने दूर से भी साफ दिखाई दे रहा है। पूरे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा माउंटेन बुसाल मॉन्स भी आयो पर ही है जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। आयो से निकलने वाले पार्टिकल्स जब बृहस्पति के रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब एक न्यूट्रल क्लाउड बनता है। प्रति सेकेंड 1 टन वजन के पार्टिकल्स आयो की सतह को छोड़ते हैं। ये न्यूट्रल क्लाउड के पार्टिकल्स जुपिटर के पोल्स तक जाते हैं जिसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिसे फ्लक्स ट्यूब कहा जाता है। ये फ्लक्स ट्यूब असल में कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती है। इस फ्लक्स ट्यूब का असर जुपिटर पे दिखता है अरोरा के रूप में। समुद्र में होने वाली टाइड्स की तरह आयो की सतह भी बदलती रहती है। आयो में सिर्फ उसके दो पोल्स पे ही नहीं बल्कि पूरे आयो पे अरोरा दिखती है जिसमें ग्रीन सोडियम, रेड ऑक्सीजन और ब्लू सल्फर पार्टिकल्स के आयोनाइज होने से बनती है। सौरमंडल के छठे सबसे बड़े चांद यूरोपा का व्यास 3,121 किलोमीटर है जो पृथ्वी के चौथे भाग का है। यूरोपा बृहस्पति की सतह से 6,71,000 किलोमीटर दूर है, यानी उसे 3.5 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। यूरोपा की कक्षा अंडाकार है, यानी बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का असर यूरोपा पर ज्यादा कम होता रहता है और इसका इफेक्ट हमें यूरोपा की सतह पे दिखता है जिससे सतह पे दरारें पड़ती हुई दिखती है। इन दरारों को लीनिया कहा जाता है जो कि एक लेटिन शब्द है जिसका मतलब होता है लाइंस। यूरोपा पर ये लीनिया 1 से 2 किलोमीटर चौड़ी होती है और कई हजार किलोमीटर लंबी होती है। ये लाइंस तब बनती है जब दरार के नीचे का मटेरियल दरार को भरता है। यही फिनोमिना हमें पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है। 2012 में हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा के साउथ पोल पे निकलने वाले वाटर वेपर की तस्वीर भी ली थी जो ये साबित करती है कि यूरोपा की सतह के नीचे बड़े महासागर है। यूरोपा की सतह पे हमें 10 किलोमीटर चौड़े धब्बे दिखते हैं जिन्हें टेंटिक्यूले जाता है जो ये दिखाता है कि भूमि के अंदर की सामग्री सतह तोड़ के बाहर आने का प्रयास कर रही है। यूरोपा की सतह इतने सालों के दौरान बदलती रहती है और ये हमें इससे पता चलता है कि इसकी सतह पे सिर्फ 50 ही गड्ढे हैं। यूरोपा के इक्वेटर पे नुकीले बर्फ की एक परत है जिसे पेनिटेंटेल कहा जाता है। यूरोपा की एल्बिडो यानी कि लाइट रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू 0.64 है जो हमारे चांद से 5 गुना ज्यादा है जो यूरोपा को बृहस्पति का सबसे ज्यादा चमकीला उपग्रह बनाता है। यूरोपा पर बृहस्पति के खतरनाक रेडिएशन का बौछार होता है जो किसी भी इंसान को सिर्फ 1 दिन में मार सकता है और बृहस्पति का ये रेडिएशन यूरोपा को एक तरह से ऑक्सीजन भी देता है। ये मुमकिन होता है रेडियोलिसिस प्रक्रिया की वजह से जिसमें रेडिएशन की बौछार की वजह से पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस प्रक्रिया से यूरोपा के आसपास एक बादल बनता है। यूरोपा के महासागरों के अंदर चल रही जियोथर्मल एक्टिविटी और महासागरों के सिलिकेट मेंटल से जुड़े होने की वजह से यूरोपा पर जीवन होने की संभावना ज्यादा है। यूरोपा का और भी गहराई से अध्ययन करने के लिए नासा यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है। हमने अभी जिन बृहस्पति के 4 उपग्रहों की बात की वो सबसे बड़े 4 उपग्रह थे, लेकिन बृहस्पति के और भी बहुत सारे चांद हैं। बाकी मून्स में सबसे बड़ा एमाल्थिया है जो कि 250 किलोमीटर चौड़ा है। एमाल्थिया को 1852 में खोजा गया था जो कि एक बड़ा लाल रंग का पत्थर है। सबसे निकटतम मेटिस है जो बृहस्पति से 1,28,000 किलोमीटर दूर है, यानी अगर आप मेटिस पे खड़े रहेंगे तो जुपिटर आपको आधे आकाश में फैला हुआ दिखेगा। जुपिटर के बाकी मून्स इतने खास नहीं है और कुछ तो सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़े पत्थर जीतते ही हैं। तो ये थी जुपिटर के मून्स के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। मुझे याद रख सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।